आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जीरोधा में डीमैट अकाउंट किस प्रकार से ओपन करना है। वैसे तो अपने इंडिया में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, लेकिन जीरोधा इन सभी में से एक लोकप्रिय और विश्वसनीय ब्रोकर्स की लिस्ट में आती है। शायद इसीलिए जो न्यू ट्रेडर्स है जीरोधा में ही डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो जीरोधा का जो इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है। तो मैं आज की इस वीडियो में एक कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि जीरोधा में डीमैट अकाउंट किस प्रकार से ओपन करना है। तो मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राकेश डॉट हेल्पिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीरोधा में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले हमें इस वाले लिंक पे आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको ओके करना होगा। और यहाँ पे जब आप कंटिन्यू पे ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद दोबारा से आपको नीचे कंटिन्यू पे ओके करना है। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि पे अकाउंट ओपनिंग फी। यहाँ पे आपको कुछ फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ से ये सारी बॉक्स को आप टिक आउट कर लेंगे ताकि आगे चल के जब आप इस अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको सारी जो फीचर है इसमें देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर यहाँ पे जो है इन सारे बॉक्स को आप टिक कर लेंगे, एक एक करके इन सारे बॉक्स को जो है यहाँ से टिक कर लेंगे। और उसके बाद जो है आपको नीचे आना है यहाँ पर। और नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि अमाउंट जो आपका जो अकाउंट ओपनिंग जो फ़ी है यहाँ पे 200 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे UPI और डेबिट कार्ड और यहाँ पे वॉलेट से नेट बैंकिंग आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहेंगे ये 200 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पे UPI ही सिलेक्ट करूँगा। आपको अगर जिस भी विधि से आपको लगे ईजी आपको लगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड और नेट बैंकिंग के लिए दे रहा है और यहाँ पे UPI। तो मैं आप अपना फ़ोन का जो फ़ोन पे का UPI है वहाँ से UPI अपना ID डाल के और पे एंड कंटिन्यू पे ओके करता हूँ। यहाँ पे जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट सक्सेसफुल का एक यहाँ पे मैसेज आ गया। और उसके बाद से अब जो सेकंड जो स्टेप है यहाँ पे हमें जो है अपना आधार KYC करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आधार KYC जो डिटेल है यहाँ पे करवाना होगा, यहाँ पे आधार KYC और कंटिन्यू टू DigiLocker पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको आधार नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा को इसको देख के यहाँ पे फिल करके यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको ओके करना होगा। और जब आप नेक्स्ट ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपका आधार से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा आप यहां पे देख सकते हैं जो आधार में नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे OTP जाएगा। OTP को यहां फिल करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे ओके करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यू आर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट टू शेयर योर DigiLocker डॉक्यूमेंट विद जीरोधा। यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोल रहा है कि आप जो है आप एग्री हो अपने DigiLocker में जो है डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जीरोधा में आगे सबमिट करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे अलाउ पे ओके कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है KYC जो है कंप्लीट हुआ। यहाँ पे KYC का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार KYC जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आपको कुछ इस तरीका से देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल डिटेल है यहाँ पे जो है कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो है मैरिटल स्टेटस में आपको आप सिंगल हो या मैरिड हो सबसे पहले आपको इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ फादर का फर्स्ट नेम और यहाँ फादर का लास्ट नेम डालना है। और उसके बाद यहाँ पर मदर का फर्स्ट नेम और मदर का लास्ट नेम डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है बैकग्राउंड में आपका जो एनुअल इनकम है आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एनुअल इनकम। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कोशिश करें कि आप 1 लाख ही सिलेक्ट करें। अदरवाइज अगर आपका जो भी इनकम है आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
फंड्स एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट प्रिफरेंस। तो यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप जो पैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर उसको आप इन्वेस्ट नहीं करा, आपने कोई शेयर में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, तो यहाँ पे जो है पैसा ऑटोमेटिक आपके जो बैंक में रिफंड आ जाएगा। वो पैसा क्वार्टरली और मंथली आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथली ही सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं पैसा यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करा और उसको अगर मैं इसमें पैसा ऐड करने के बाद अगर वो पैसे को यूज नहीं करा तो दोबारा से जो है मेरे खाते में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मंथली ही सिलेक्ट रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस सिलेक्ट करेंगे। अगर न्यू है तो यहाँ पे न्यू कर देंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन में आप अपने हिसाब से आपका जो प्रोफेशन है यहाँ पे आप डालेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो बोल रहा है कि अगर ऑटोमेटिकली कोई मतलब आप कोई रिलेटिव है या आप उसमें इन्वॉल्व है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसमें कोई भी आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे ओके करेंगे। नेक्स्ट पेज में कुछ आपको इस तरीका से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो बोल रहा है कि लिंक बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं या यूपीआई आईडी, जो फ़ोन पे या गूगल पे आप जो भी यूपीआई आईडी यहाँ पे चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ही प्रीफर करूँगा, बैंक अकाउंट ही यहाँ पे ऐड करूँगा। तो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले जो है आपका ब्रांच, जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ का जो आईएफएससी कोड है यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे आईएफएससी कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे आपका जो एमआईसीआर कोड को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से जो है अपना सबसे पहले जो है यहाँ बैंक अकाउंट को जो है अपना डालेंगे, जो अकाउंट नंबर आपका है यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट, यहाँ पे दोबारा से अपना अकाउंट को डालेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे इन सारी बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे इन बॉक्स को आपको टिक कर लेना है एक एक करके। और उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू पे ओके करना है। और जब आप कंटिन्यू पे ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है कैमरा ऑन होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, ठीक है, इसको अलाउ करेंगे तो आपका जो है कैमरा ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसको अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ। तो इसको सबसे पहले जो है इसको अलाउ करेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में जो है कुछ आपको इस प्रकार से एक डेमो दिया गया है। डेमो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेज पे आपको जो यहाँ पे कोड आपको देखने को मिल रहा है, जो 4-डिजिट कोड है, इस प्रकार से एक पेपर में आपको इसको लिख लेना है। और उसके बाद जो है कैमरा के सामने आपको इसको लेके खड़ा होना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे किस प्रकार से अपना जो है एक वो कैप्चर करके दिखाया हूँ। बिल्कुल आपको इसी तरह से जो है आपको कैप्चर करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे कन्फर्म पे ओके करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ जो आपको देना होगा, जो कि आपका बैंक का स्टेटमेंट हो सकता है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप हो सकता है, आईटीआर फाइल जो हो सकता है। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो है आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड पर ओके करके यहाँ से अपलोड कर देंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपका ऑप्शनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे ये ऑप्शनल बोल रहा है। तो आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है नीचे आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। और आप चाहें तो डायरेक्ट फाइल से भी यहाँ से ब्राउज करके आप अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पर ला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अंदर फाइल में जाके यहाँ से लाने के लिए। और यहाँ कैमरा का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से देख लेंगे। मैं यहाँ कैमरा से सिलेक्ट करता हूँ और कुछ इस प्रकार से जो है सिग्नेचर को पे फोटो क्लिक करना होगा आपको और ऊपर यहाँ पे डन पे ओके करेंगे। यहाँ से आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर आपको क्रॉप करने के लिए दे रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ से क्रॉप करेंगे। और उसके बाद ऊपर यहाँ पे डन पे ओके करेंगे। डन पे ओके करते ही सिग्नेचर जो है आपका अपलोड हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉपी ऑफ पेन पे ओके करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से अगर फाइल में है तो फाइल से, वरना आप डायरेक्ट भी यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है पेन कार्ड को डायरेक्ट भी यहाँ से आप अपना कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको भी यहाँ से आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको अपने साइज में यहाँ फिट कर लेंगे यहाँ पे क्रप करके, और उसके बाद जो है ऊपर डॉन पे ओके करेंगे। यहाँ ऊपर यहाँ पे डॉन पे ओके करेंगे, यहाँ पे आपका पेन कार्ड भी अपलोड हो जाएगा, साइन भी अपलोड हो जाएगा और बैंक स्टेटमेंट जो है आप अपने हिसाब से अपलोड कर भी सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास अभी स्टेटमेंट तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं बोलूँगा, मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आपके पास है तो यहाँ पर अपलोड ज़रूर करें। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को यहाँ से डाल देंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे ओके करेंगे। कंटिन्यू पे ओके करते ही यहाँ पे आपको नॉमिनी के लिए बोल रहा है, तो नॉमिनी जो है आप अपने हिसाब से अगर अभी आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं बाद में ये जो आपका प्रोफाइल सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए तो ये बाद में भी आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऊपर स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर देंगे अभी के लिए, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनिश करने के लिए बोल रहा है। इससे पहले जो है आपका एक ई साइन होगा, तो ई साइन करने के लिए यहाँ पे ई साइन पे ओके करेंगे तो ये आपको जो है आपका ये आपको NSDL का जो ई साइन जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको ले जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो है आप इस बॉक्स को यहाँ से टिक आउट करेंगे और यहाँ से उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है आपके जो आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP जाएगा, और OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपका OTP नहीं जा रहा है तो दोबारा से रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, और OTP वेरीफाई पे करते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल OTP वेरीफाई हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर दोबारा से हमें जो है जीरोधा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा वहाँ पे, और नीचे नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन नाउ का जो ऑप्शन है आ रहा है, इस पर आप साइन नाउ पे ओके करेंगे, और साइन नाउ पर ओके करते ही कुछ पेज इस प्रकार से फिर से ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से आप इसी वाले पेज पे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर जो है एक बार फिर से हमें जो आपको दिखा दूँ, दोबारा से यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपका जो आधार से जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा सेम पिछली बार की तरह जैसे अभी थोड़ी देर पीछे हुआ है, और उसके बाद जो OTP आएगा यहाँ पर डाल के उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा जो है डिजिटल जो साइन का जो प्रोसेस था वहाँ से कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम फिनिश करेंगे, और फिनिश करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशंस का एक ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे जो है आपका जीरोधा का जो बैकएंड टीम है वो मेरा जो जितने भी सारे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे वो लोग वेरीफाई करेंगे, मैंने पेन कार्ड सिग्नेचर जो भी यहाँ से अपलोड करा उधर से वो लोग अपना वेरीफाई करेगी, और उसके बाद जो है जो यूज़र ID और जो पासवर्ड है जीरोधा का वो हमें मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, ये हमें मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।